19वीं सदी का जमाना हिंदुस्तान में मजहबी और समाजी इस्लाहात का जमाना था। राजा राम मोहन का ब्राह्मण समाज हो या महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्या समाज, ये सब इस्लाही तहरीकें अंग्रेज हुकूमत की ज्यादतियों, ईसाइत की तबलीग और मजमुई तौर पर हिंदुस्तानियों के परेशान हाली पर पढ़े लिखे नौजवानों का रद्दअमल था, जिसने रिवायात और समाजी रसूमात से अपने हम कौमों को बचाने का बेड़ा उठाया। 19वीं सदी के मुस्लिम दानिश्वरों में सर सैयद अहमद खान की शख्सियत एक मीनार नूर की तरह है। सर सैयद एक फ़र्द नहीं बल्कि एक अंजुमन थे। वो एक माहिर तालीम, सियासतदान, इस्लामी मसले के साथ साथ तरक्की पसंद रहनुमा भी थे। सर सैयद ने 1872 में मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो 1877 में कॉलेज और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। उनके इस कारहाय नुमा ने मुस्लिम दानिश्वरों और सियासतदानों की एक ऐसी नस्ल पैदा की जिसने सर सैयद के मिशन को अलीगढ़ तहरीक की शक्ल दी और हिंदुस्तान में मुसलमानों के इल्मी, सियासी और समाजी मुस्तकबिल का तहफ्फुज किया। सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक आला खानदान में हुई। माना जाता है कि उनका खानदान अफगानिस्तान में हेरात से हिजरत करके शहंशाह अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान आया था, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खानदान अरब से हिंदुस्तान आया था। कई नस्लों तक उनका खानदान मुगल दरबार से मुंसलिक रहा। सर सैयद की पैदाइश जिस जमाने में हुई वो मुगलिया सल्तनत के जवाल का जमाना था। सर सैयद की तरबियत उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद के साथ हुई। 1829 में वालिद के इंतकाल के बाद उन्हें अपने दादा और वालिद का मनसब विरासत में मिला और बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार से आरिफ जंग का खिताब अता किया गया। उनके भाई ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई और एक अखबार सैयदुल अखबार निकालना शुरू किया। सर सैयद ने उसकी इदारत का काम संभाला। मुगलिया सल्तनत के जवाल को देखते हुए सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्हें तरक्की देकर मुंशी मुकर्रर किया गया। उस जमाने में सर सैयद ने बाकायदा तसनीफ व तालीफ का काम शुरू किया और उर्दू में मुख्तलिफ मजामीन पर लिखने लगे। मुसन्निफ की हैसियत से सर सैयद का सफ़र 1842 में शुरू हुआ। सर सैयद की हकीकी अजमत उस हकीकत पर मुजमिर है कि वो पहले हिंदुस्तानी मुसलमान थे, जिसने जदीद दौर में इस्लाम के हकीकी तशरी की ज़रूरत को महसूस किया। सर सैयद 1857 के गदर में बिजनूर के अदालत में फायज थे। उस दौर में शुमाली हिंदुस्तान में ज़बरदस्त खून खराबा हुआ, बड़ी तादाद में आम शहरी कत्ल हुए। दिल्ली, आगरा, लखनऊ और कानपुर सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाके थे। खुसूसन मुसलमान अंग्रेज इताद का शिकार थे। खुद सर सैयद इस खून खराबे और मुग़ल हुकूमत के खात्मे से मुतासिर हुए और वो दूसरे मुसलमान उसे मुसलमानों की शिकस्त तस्लीम करते थे। 1858 में उन्हें आला ओहदे पर मुरादाबाद की अदालत में मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने अपनी सबसे मशहूर तसनीफ पर काम शुरू कर दिया। 1859 में अपना किताबचा असबाब बगावत हिंद शाया किया। सर सैयद को मगरबी तालीम का एहसास हो चुका था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के कॉलेजों में नई मगरबी तालीम दी जा रही थी, लेकिन मुसलमान रिवायती कट्टरपंथी और मजहबी निदामत पसंदी की वजह से इस तालीम से दूर था। 1864 में अलीगढ़ तबादला होने पर सर सैयद अपने इस मिशन में पूरी तरह से मसरूफ हो गए। अपने पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने हमनवा अफराद के साथ साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ की बुनियाद डाली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्लिम दानिश्वरों को सर सैयद ने इस सोसाइटी में शामिल कर लिया और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में इस्लाही मजामीन शाया किए जाने लगे। 1867 में हिंदी उर्दू तनाज़े ने सर सैयद को सियासी रहनुमा के शक्ल में मुतारिफ करवाया। उन्होंने हिंदी को शोबे मुतहदा की दूसरी सरकारी जबान बनाए जाने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने खुद अपनी तहरीरों से उर्दू के फरोग का काम शुरू किया। हर चंद के सर सैयद का मकसद मुसलमानों की इस्लाह थी।
मगर तंग नजरी और तासुब परस्ती से उनकी फिक्र बहुत दूर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज में सर सैयद एक सरगर्म मुसल्ला थे और वो बुनियादी एतिखादात को चोट पहुंचाए बिना मारूजी तशरीहात के जरिए जदीद साइंटिफिक इफकार और मजहब में मवाकिफत पैदा करना चाहते थे। वो जदीद तालीम के फरोग के सिलसिले में मुतफक्किर थे। वो किसी भी तरह फ़िरका परस्त बुनियादों पर अलहदगी पसंद नहीं थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मजहबी इख्तलाफात को सियासी और कौमी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। शिबली नोमानी की काविशों से उर्दू को हैदराबाद की सरकारी जबान करार दिया गया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू को ज़रिए तालीम बनाया गया। 1869 में सर सैयद ने लंदन का सफ़र किया। उसी सफ़र के दौरान उन्हें KCSI का एजाज दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने नाम के आगे सर लगाने का हक़ मिल गया और वो सैयद अहमद से सर सैयद हो गए। इसी सफ़र में उन्हें अंग्रेज़ी तालीम व अफादियत का शदीद एहसास हुआ। उन्होंने ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों को देखा और दिल में मुसलमानों के लिए एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब सजा कर वापस आए। वापस आकर उन्होंने अपने इस ख्वाब को हकीकत देने की इब्तिदा की और मनसूबाबंद तरीके से काम शुरू किया। 1872 में उन्होंने मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो 1877 में कॉलेज बन गया। सर सैयद ने इस कॉलेज को ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज तामीर पर कायम किया। उनका नसबुल ऐन था कि बरतानवी तर्ज तामीर से मेल खाता हुआ एक ऐसा कॉलेज तामीर किया जाए जहां मुसलमानों को इस्लामी इकदार के साथ साथ जदीद तालीम दी जाए। ये हिंदुस्तान का पहला अखामती तालीमी इदारा था। ये कॉलेज इब्तदाई दौर में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था। 1885 में उसे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। अब सर सैयद का मिशन इतना आगे बढ़ गया था कि उसे अपने लिए एक अलग यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। सर सैयद 1898 में यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिल में बसाए इंतकाल फरमा गए, मगर उनका मिशन जारी रहा। सर सैयद के ख्वाब को ताबीर अता करने के लिए कॉलेज में नए कोर्सेज शुरू किए गए। 1907 में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया गया। 1920 में ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। इस इदारे ने मुसलमानों को एक ऐसा नया तालीमी याफ्ता तबका दिया जिसने ना सिर्फ मुस्लिम कौम बल्कि पूरे बर्रे सगीर में होने वाली समाजी तब्दीलियों में एक तामीरी किरदार अदा किया। सर सैयद के इसी मिशन के दैन बर्रे सगीर हिंदू पाक सियासी रहनुमाओं के अलावा उर्दू जबान व अदब के ऐसे बहुत से दरख्शंदा नाम हैं। सर सैयद के ख्वाब की ताबीर इसी यूनिवर्सिटी के एक मनचले शायर मजाज ने शायद सर सैयद के जज्बात को अपने नज्म नजरे अलीगढ़ में ऐसी दिलकशी के साथ पेश किया है कि वो आज तक यूनिवर्सिटी का तराना बनकर गूंज रहा है।